छतरपुर में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। बीते रोज सागर कानपुर हाईवे पर महोबा रोड स्थित बस्ती में अतिक्रमण में बने 3 मकानों को ढहा दिया गया। प्रशासन का बुलडोजर चला अतिक्रमण पर। बताया यह भी गया कि इन 3 लोगों पर जिन पर कार्यवाही की गई है, पुलिस थाने में कई मामले उनके विरुद्ध दर्ज है। कलेक्टर छतरपुर के निर्देश में SDM और तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और ढहाया गया अतिक्रमण को। हालांकि छुटपुट विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन के आगे बेक नहीं चली। वही अब प्रशासन का ये दावा है कि उन कॉलोनाइजर के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी जो नियम विरुद्ध तरीके से जमीन बेच रहे हैं। SDM और राजस्व अमला ने ऐसे उन भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की बात की है जिन्होंने अलीगल प्लॉटिंग काट कर लोगों को बेचे हैं। उनके खिलाफ भी प्रशासन अब सख्ती से कार्रवाई करेगा। लगातार 7 लोगों पर और FIR भी दर्ज की गई है जो सरकारी जमीन में प्लॉटिंग करते हैं, तो किस तरीके से और कार्रवाई की जाएंगी? कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों में हेरा फेरी करके अधिकारियों से मिलकर जमीनों में कब्जा किया, तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या जांच चल रही है उनके खिलाफ? उनके खिलाफ भी अभी जांच चल रही है, सारी चीजें हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। किस तरीके का भी मैटर निकल के आता है और यदि पाया जा रहा है कि सामने वाले द्वारा जो है वो विधि विरुद्ध काम किया गया तो उसके खिलाफ भी जांच। बड़े लोगों में जांच कब तक चलेगी, कितना टाइम लगेगा? बड़े लोगों पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, बड़े लोगों का अभी नोटिस भी बुंदेलखंड वालों को और रूसिया बिल्डिंग और रिकांडो वालों को नोटिस दिया गया था, 24 घंटे का समय मांगा था। आज 10-10 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको भी ध्यान में रखा गया है, वो नगर पालिका द्वारा नोटिस दिए गए, उनसे बात की जा रही है। उनकी जमीनों में काफी हेरा फेरी है, उसकी जाँच में चल रही है। कहीं ना कहीं से भी एक मैसेज आता है कि जनता में कि एक भेदभाव किया जा रहा है, तो इस तरीके भेदभाव ना हो उसके लिए किस तरीके प्रयास किए जाएंगे? जनता बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बड़े मिस्टर टुल्ले हो चाहे जो भी हो, सबके विरुद्ध कार्रवाई।